सती ने उनके साथियों ने इस चीज़ का विरोध किया, अगर वो आप लोगों के सामने गलत है देखो सरेंडर उन्होंने किया है। कानपुर में इन दिनों बीजेपी पार्षद सौम्य शुक्ला चर्चा में है, क्योंकि बीते हफ्ते उनके पति द्वारा एक व्यापारी पर जमकर मारपीट करने का आरोप लगा था। बीजेपी पार्षद के पति अंकित शुक्ला ने व्यापारी को अपने साथियों के साथ मिलकर इतना पीटा था कि पीड़ित की गंभीर हालत को देखते हुए दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था, जहाँ अभी भी पीड़ित शख्स का इलाज जारी है। लेकिन अब बीजेपी पार्षद के पति अंकित शुक्ला ने नाटकीय ढंग से अपने साथियों के साथ सरेंडर कर दिया है। रायपुरवा इलाके में दवा व्यापारी से मारपीट के चर्चित मामले में आरोपी बीजेपी नेता अंकित शुक्ला ने अन्य आरोपियों के साथ शुक्रवार दोपहर को ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर कार्यालय में सरेंडर कर दिया है। आपको बता दें कि मामले में पुलिस ने आरोपियों पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था, साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कई टीमें भी लगाई थी। इस मामले को लेकर कानपुर में बीजेपी नेता ने भी दो धड़ों में बटे हुए दिखाई दिए थे। आपको बता दें कि नाटकीय ढंग से सरेंडर की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शुक्रवार दोपहर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी पार्षद सौम्य शुक्ला पुलिस कार्यालय पहुंची थी, जहां उन्होंने अपने पति पर लगे आरोपों को झूठा बताया और मामले में पीड़ित को घटना के वक्त शराब के नशे में बताया। इधर ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी से बीजेपी पार्षद सौम्य शुक्ला बात ही कर रही थी, वहीं आरोपी बीजेपी नेता अंकित शुक्ला अपने साथियों के साथ सरेंडर करने पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और अब आरोपियों को जेल भेजने की तैयारी कर रही है। मामले में पति की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी पार्षद ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। किसी महिला के साथ, किसी की पत्नी के साथ इस तरह की अभद्रता होती है और उसके पति ने उनके साथियों ने इस चीज का विरोध किया, अगर वो आप लोगों के सामने गलत है देखो सरेंडर उन्होंने किया है। अब ये आपको देखना है, सारे वीडियो सारे साक्ष्य आपके सामने हैं, आप खुद ही देखिए किसकी गलती है किसकी। सौम्य जी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कानपुर पुलिस भी दबाव बना रही थी क्योंकि इनाम घोषित किया था आपके पति के ऊपर और उनके साथियों के ऊपर, उससे क्या कहना चाहेंगे? मुझे पता नहीं कि इस चीज़ का दबाव है प्रशासन के ऊपर, क्या सांप्रदायिकता मोड़ ले रही है इस घटना के लिए कि उन्होंने किसी तरह का हम लोग का कोई भी पुलिस रिकॉर्ड नहीं है, किसी तरह का कोई छोटा से छोटा मुकदमा नहीं है और उन्होंने इस तरह से इनाम घोषित कर दिया, पूरा का पूरा हम लोग को आरोपी साबित कर दिया, मतलब जैसे हम लोग कोई क्रिमिनल है, किसी का मर्डर कराया है हमने। साथ ही आपको बता दें कि मामले को लेकर बीजेपी पार्टी पर भी कई सवाल खड़े हो रहे थे, क्योंकि पहले तो मामले में शिकायत देरी से की गई, फिर आरोपियों की गिरफ्तारी भी नहीं हो रही थी, लेकिन अब इस गिरफ्तारी के बाद पीड़ित परिवार ने भी राहत की सांस ली है और उन्हें अब न्याय की उम्मीद नजर आने लगी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।